हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि केशव और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि केशव में। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का पार्ट फोर डिस्कस करेंगे। और अब तक हमने इसके तीन पार्ट डिस्कस कर लिए। पार्ट थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम रिटेन वाले केस में और जब ड्रॉयर बिल डिस्काउंट कराता है बैंक में तो उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। आपको बता दो, इस पूरे चैप्टर में ही क्या है, जनरल एंट्री है। तो आज आपको मैं आगे के दो केस बताऊंगा, ठीक है? अगर आपने पिछले केस नहीं देखे तो पहले वो पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको आगे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, ठीक है? वैसा सबके लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि यहाँ तो स्टडी स्टडी चल रहा है और आपको थोड़ा इंजॉयमेंट कराना भी जरूरी है, जो लोग करना चाहते हैं। तो जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्पेशल न्यूज है। न्यूज क्या है कि मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है रवि कश्यप दिल्ली वाला, ठीक है, दिल्ली हाइट्स। बिकॉज यहां पर मैं आपको घुमाऊंगा पूरी दिल्ली, और एज वेल एज दिल्ली खत्म होने के बाद मैं आपको पूरा इंडिया विजिट कराऊंगा। जहां पे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सर यहाँ घूमना है या रवि सर यहाँ देखना है, तो मैं वहां पे भी लेके चलूंगा। तो अगर कोई दिल्ली से नहीं है आप में से, तो आप लोग आ सकते हैं इस चैनल पे। और अभी मैंने दो तीन जगह घूम के आया हूँ ऐसी नॉर्मली, तो मैंने उसका व्लॉग बनाया था, आप चेक कर सकते हैं इस चैनल पर जाके। तो आप मुझे बताइए कि दिल्ली में आप ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं जा पा रहे हैं। बिकॉज अगर आप बहुत दूर रहते हैं, अभी जैसे मैं बता दूं, अगर हम इस चैनल की बात करें तो यहाँ पर केरला, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, लखनऊ, पता नहीं आसाम, इवन पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल, पता नहीं कहाँ कहाँ से, इवन यूएसए से भी लोग पता नहीं चैनल को विजिट कर रहे हैं। यूएसए में भी सेम सिलेबस है, आई डोंट नो, बट लोग देखते हैं। तो अगर आपको दिल्ली घूमनी है और इंडिया घूमना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ घूमना है, और इस वाले चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, ये बहुत हुआ, आगे बात करते हैं यहाँ पे अपने पढ़ाई की। तो पढ़ाई पे आने से पहले बता दूं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है वो वहां पे बिल का जो क्या हो रहा है, वो लेन देन हो रहा है। लेन देन का मतलब एक्सचेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अब तक हमने दो केस डिस्कस कर लिए, ठीक है, अब डिस्कस करेंगे केस थर्ड और केस फोर्थ। थर्ड क्या है बता दूं, बेसिकली थर्ड केस में क्या होता है, मान लीजिए ये वाला केस हमारे डेली में होता है कि मुझे ए से पैसे लेने, किससे, ए से, और बी को देने, और मैं कौन हूं, आर रवि, तो मेरे को इससे लेकर इसको देने, तो मैंने डायरेक्ट इससे बोल दिया कि किससे ले लियो, बी से ले लियो, ये केस होता है। इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। यहां पर होगा क्या, मुझे यहां से बी आर आना है, मतलब बी आर की पेमेंट आनी है और उसे पेमेंट करनी है, ये मेरा क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। तो मैं कह दूंगा जिसके से जिससे पैसे लेने हैं कि भाई ये मेरे वाले पैसे उसको दे दो, ठीक है। सो दैट्स इट, ये वाला केस कहलाएगा एंडोर्समेंट। और चौथा केस आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपके पास बहुत सारे बीपी और बीआर हो जाते हैं, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, तो उन सबकी पेमेंट करना कौन याद रखेगा, उनकी मैच्योरिटी डेट। तो आप वो सारे बिल किसको पे कर देते हैं, बैंक को, और बैंक अपने हिसाब से उसकी पेमेंट ले देकर आपके अकाउंट में डाल देता है। तो चलिए, इस टॉपिक को समझने के लिए डिटेल में हम चलते हैं कॉपी पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कॉपी पर आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको मैं बताने वाला हूं कि सबसे पहले एंडोर्समेंट का केस, और उसके बाद बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन सा वाला केस, एंडोर्समेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड क्या है, व्हेन बिल एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ठीक है, एंडोर्स टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको मैं क्या करना होता है, पे करना होता है। तो हुआ क्या, मान लेते हैं हमारा जो लास्ट एग्जांपल था कि एक राम है और एक मोहन है, ठीक है। अब इसने इसको गुड्स सोल्ड करे हैं, ऑन सोल्ड गुड्स, ठीक है, ये भी समझ आ गया, हमने पहले भी समझा हुआ है। और काय पे करें, क्रेडिट पे करें। अब हुआ क्या कि ये जो डेट थी वो थी 1 जैन, ठीक है, सोल्ड करने की डेट। अब जो बिल बना वो बना 3 मंथ का, और इसने खाली बिल दिया था, इसने बिल करके साइन करके बिल भी दे दिया, इसके पास आ गया बी आर। अब हुआ क्या, राम को भी पैसे पे करने थे, किसको, एक और बंदा है सोहन को, ठीक है। तो सोहन को पे करने हैं, सोहन क्या हो गया, क्रेडिटर। सोहन आया इसके पास, राम के पास, कि मेरे पैसे निकालो। अब राम ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि यार अभी तो पैसे है नहीं, लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हो, मेरे पास एक क्या पड़ा हुआ है, बी आर पड़ा हुआ है, वो बी आर लेके जाओ किसके पास, मोहन के पास, और अपने पैसे ले लेना। तो उसने वो बी आर किसको दे दिया, सोहन को।
अब ये सोहन क्या करेगा, ये बिल ऑन मेच्योरिटी डेट जाएगा किसके पास लेके, मोहन के पास। इसको वो क्या दे देगा, बीआर, और मोहन पेमेंट कर देगा किसको, सोहन को, उसे दे देगा कैश। तो इन दैट केस यहाँ पर पेमेंट किसने लिए, सोहन ने लिए, तो सोहन को हम यहाँ पे पेई भी बोलेंगे। मैंने आपको पहले बताया जिसको हम पेमेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेई कहते हैं। तो यहाँ पर अब बुक एक नहीं बनेगी, दो नहीं बनेगी, तीन बनेगी, एक राम की, एक मोहन की और एक सोहन की, सोहन बोले तो पेई की। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे किसकी, मोहन की बुक। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं मोहन्स बुक। आपको फॉर्मेट पता ही होगा, एक डेट के दो कॉलम बने, वो सॉरी अमाउंट के कॉलम बनेंगे यहाँ पर हमारे, और एक डेट का कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। डेट पर्टिकुलर, एलएफ भी बनाना है, बना लीजिए आप। ये डेबिट हो गया आपका, ये क्रेडिट हो गया। यहाँ पे हम नाम डाल चुके हैं। तो मान लेते हैं 2017 की 1 जैन को हम बात कर रहे हैं अभी, मोहन की। तो मोहन ने क्या करा है, सोल्ड किया है। तो सोल्ड किया है किसको, सोल्ड किया है राम ने सोल्ड किया है मोहन को। तो मोहन अकाउंट डेबिट, ठीक है, मोहन अकाउंट डेबिट। डेबिट जी, ठीक है। अगर आपको नाम के साथ अकाउंट लगाना है तो पीछे एस लगा दीजिए, और नहीं लगाना अकाउंट तो एस भी मत लगाइए, ठीक है। टू, क्या करा हमने, सेल करा है। कितने की करी है, सेल करी है मान लेते हैं हम 5,000 रुपये की। तो ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया। वेल नरेशन बींग सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो हमने यहाँ पर मोहन को गुड सोल्ड कर दिया है, काय पर, क्रेडिट पे। नाउ फाइनली अब हम आते हैं दूसरी एंट्री पर। होता क्या, आप एक काम करिएगा, जब भी एंट्री हो जाए तो उसे एक लाइन खींचे, क्लोज कर दीजिएगा। तो ना उससे क्या होता है, एंट्री क्लियर नज़र आती है। उसके बाद मान लेते हैं इसी डेट को हमारे पास बीआर आया, साइन हुआ। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। बीआर अकाउंट डेबिट किससे आया, मोहन से आया, टू मोहन अकाउंट। तो बींग करके आप लिख देंगे, बींग बिल या बीआर रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड किससे, मोहन से, फ्रॉम मोहन, ठीक है। ये भी कितना हो गया आपका, 5,000 का हो गया और 5,000 का हो गया। नाउ इसको क्लोज करते हैं, लास्ट एंट्री करते हैं। लास्ट एंट्री आपको मैं बताऊं कौन सी होगी, जब राम ने बिल किसको दिया, सोहन को। तो ये बिल जो है वो मान लेते हैं 1 जनवरी को ही किसके पास चला गया, सोहन के पास। तो सोहन डेबिट, मतलब किसको डेबिट कर देंगे हम, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से चला क्या जाएगा, हमारे पास से चला जाएगा बीआर, कितने वाला, 5,000 का। तो बेसिकली यहाँ तीन एंट्री हुई। पहली एंट्री तो कॉमन थी, सेल वाली, दूसरी वाली बीआर आने की, तीसरी जो लास्ट केस हमने पढ़ा था डिस्काउंट वाला, तो उसमें हमें बैंक वाली करी थी। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिटर कर देंगे। और रिटेन का केस होता था, यहाँ पे कैश की एंट्री हुआ करती थी, बट कोई नहीं, अभी हम किसको दे देंगे, क्रेडिटर को। ना फाइनली अब हम बिल बनाएंगे किसके, किसका, सोहन का बनाते हैं, सोहन की बुक बनाते हैं, और लास्ट में बनाए एक काम करते हैं, पहले मोहन की बनाते हैं फिर सोहन की बनाएंगे, ठीक है। वैसे कैसे ही बना लीजिए, चाहे इसको बना लीजिए चाहे इसको बना लीजिए, आपकी मर्जी है। तो अभी मैं आपको ड्राइंग की बनाकर दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे ड्राइंग की बुक बनाते हैं। चलिए ड्राइंग का अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ, तो फॉर्मेट सेम है। डायरेक्ट मैं अभी डेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ये डेट का कॉलम, ठीक है। तो 2017 की 1 जैन को इसने क्या करा है, परचेस करा है। तो ये क्या करेगा, परचेस अकाउंट डेबिट किससे खरीदा है, राम से। तो राम कितना, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। बींग करके यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, नरेशन आप बुक में से भी देख सकते हैं क्या है समथिंग, ठीक है। वैसे लिख सकते हैं, बता दूँ तो, बींग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। नाउ 2017 की 1 जैन दोबारा, अब इसने क्या करा है, बिल दिया है, बिल दिया है। इसके लिए बीआर नहीं होगा, इसके लिए बीपी होगा। तो इसने बीपी दिया किसको, राम को। तो यहाँ राम क्या हो जाएगा, डेबिट टू, मैंने बोला अगर नहीं लगाना तो लगा दो, नहीं तो एस की जगह लगा के फिर अकाउंट भी लगा दो, नहीं तो नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता है। टू क्या दिया, बी पी, बिल्स पेबल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप पूरा लिखेंगे, 5,000, 5,000, फिर बींग करके लिख देंगे, ठीक है। इसका नरेशन लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं इसकी नरेशन। एंड फाइनली 2017 की एक वो दिन आता है, 4 अप्रैल, मेच्योरिटी डेट, 3 मंथ प्लस 3 दिन। इसके पास क्या आएगा, बीपी आएगा, लेके कौन आएगा, वो क्रेडिटर आएगा। तो बीपी आ गया और चला क्या गया, कैश, कितने वाला, 5,000, अकाउंट लगा दीजिए पीछे, 5,000 रुपीज़ एंड 5,000 रुपीज़, दैट्स इट। ये ख़त्म हो गया केस।
नाउ केस सेकंड की बात करूं, अगर मतलब इसके अंदर सोहन की, सोहन हमारा शायद क्या था, क्रेडिटर था, तो उस वो बेसिकली ज़्यादा एंट्री ना करके दो एंट्री करेगा। सबसे पहले 2017 की 1 जैन को उसके पास बिल आया है, किसके पास से, बीआर आया, बीआर अकाउंट डेबिट राम के पास से, ड्रॉयर से, कितने वाला आया है, 5000 वाला, 5000 वाला, बीइंग करके बीआर रिसीव लिख देंगे आप फ्रॉम राम। उसके बाद ये बिल लेके कर गए हैं ड्रॉय के पास, ड्रॉय बोले तो हमारे मोहन के पास, तो इसने क्या रिसीव किया, कैश 4 अप्रैल को, कैश अकाउंट डेबिट, और इसने दिया क्या, इसने दिया है बीआर, ठीक है, 5000 का, और बीआर किसको दिया है, इसने ड्रॉय को। तो दैट्स इट, ये एंट्री थी, आप पीछे रिवाइंड करके एक बार चेक कर लीजिए, या वैसे मैं बता दूँ एक बार, तो ये हमारा केस था फर्स्ट, जिसमें मैंने बताया था कि राम की बुक बनेगी, राम ने गुड सोल्ड करे सोहन को, तो इसकी अपनी पूरी एंट्री कीजिए, मोहन की अपनी पूरी एंट्री कीजिए, और यहाँ पर इसकी 2 एंट्री होगी। तो ये रही आपकी किसकी, हमारे पहले, सॉरी ये शायद हमने गलत लिख दिया, ये राम का आएगा, ठीक है। आपको एक और चीज़ बता दूँ, जिसकी बुक बनाते कभी भी उसका नाम उसमें नहीं आता, तो मैंने राम की बनाई है तो उसमें कहीं पर राम का नाम नहीं आएगा। फिर मैंने पीछे मोहन की बुक बनाई है, तो आप देखेंगे उसमें ये वाली मोहन की बुक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी मोहन का नाम नहीं आएगा, राम का आएगा। और ये मैंने सोहन की बनाई है, तो सोहन वाली में कहीं पर भी सोहन का नाम नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, जो भी बुक बनाता है वो अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखता है। ये केस था कौन सा वाला, ये केस है एंडोर्समेंट वाला। अब मैं आपको केस समझाता हूँ कौन सा, जिसमें हम बिल किसको देते हैं, कलेक्शन अकाउंट को देते हैं। तो इसमें समझिए, केस डालेंगे 4, ठीक है, व्हेन बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट, कलेक्शन अकाउंट। इसमें मैंने आपको भी बताया था बोर्ड पर कि यहाँ पे हमारा जो राम है और मोहन है, ठीक है, ये मान लेते दो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर इसकी तरफ से देखो तो ये खासकर बड़ा बिजनेसमैन है। तो ये क्या करता है, इतनी दिमाग ना लगा के अपने बिल सारे किसको देता है, कलेक्शन अकाउंट को, जो बैंक के पास एक डिपार्टमेंट होता है, कलेक्शन डिपार्टमेंट या अभी अकाउंट बोल लीजिए। और ये पेमेंट लेने जाता है किसके पास, मोहन के पास, या कह लो ड्रॉय के पास, और जब पेमेंट आ जाती है तो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस केस में हम एंट्री करेंगे इसकी और इसकी, बस बोले तो ड्रॉयर की और ड्रॉय की। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राम की। तो देखिए, शुरू की 2 एंट्री वो कॉमन है, ठीक है, चेंज आ रहा है 3rd एंट्री में। सबसे पहली इन शॉर्ट निपटाऊँ तो अब मैं नरेशन नहीं लिखूँगा, पहली बिल क्या हो गया, सेल करने की एंट्री हो गई। तो सेल किसको करा है, मोहन को करा है, मोहन टू सेल। अगर आपको कभी डेट ना दियो, नंबर डालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन टू सेल कितने का, 5000। उसके बाद सेल करने के बाद दूसरी एंट्री भी कॉमन, बीआर आएगा, और किससे आएगा, मोहन से आएगा, ठीक है, ये भी कितने की, 5000 की। ना चेंज आ रहा है वो यहाँ वाली एंट्री में आ रहा है, हो क्या रहा है, हमने बिल किसको दिया है, कलेक्शन अकाउंट को दिया है, राम ने बिल दिया है कलेक्शन अकाउंट को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है, टू बीआर, कितने वाला दे दिया, 5000 का। एक और एंट्री यहाँ पे बन सकती है, अगर कलेक्शन अकाउंट आपको बाद में पैसे दे रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं वो कुछ चार्ज भी काट रहा है तो चार्जेस को डेबिट कर देंगे आप। मान लो उसने 50 रुपये काटे तो हमें कितने मिलेंगे, 4950, और क्रेडिट में किससे आ रहा है, सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट से हमारी पेमेंट आ रही है, कितने की वाली, 5000 वाली। तो उस 5 में से 50 रुपये तो उस डिपार्टमेंट ने काट लिए अपने चार्जेस के, ठीक है, बाद बाकी हमारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया 4950। सो ये केस हो गया सेंड फॉर कलेक्शन में राम की बुक का। अब बात करते हैं मोहन की बुक के, तो मोहन में कोई चेंजेस नहीं है, मोहन में जैसे बेसिकली होता था वही होगा। देखो अगर मैं बताऊँ चारों केस की, तो चारों केस में हुआ क्या, मोहन की जनरल एंट्री चेंज नहीं हुई है, उसकी एंट्री सेम रहेगी, और अगर मैं करूँ ना तो आपको दिखा दूँ यही रहेगी जो मैंने पीछे करी है, ये वाली। देखिए उसने क्या करा, पहले परचेज करा, ठीक है, उसके बाद राम टू बीपी, ठीक है, और उसके बाद चाहे बैंक आए चाहे कोई भी आए क्रेडिटर भी आए, वो क्या ले लेगा, बीपी ले लेगा, और क्या दे देगा, कैश। तो उस केस में एंट्री सेम रहेगी सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट वाले में मोहन की, ठीक है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं, आप यही वाली बना सकते हैं। तो
ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको समझ आया तो आप इसके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते जाके। अभी डाउनलोड कीजिए आई एम टॉपर एप्लीकेशन को और वहाँ पर मैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन और नोट्स डाल दूंगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।